रोग पैदा हो गया था, उसके दो कारण थे। जो पांच मार्च को एजीसी का प्रपत्र जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि यूनिवर्सिटी विभाग आरक्षण के लिए इकाई नहीं माने जाएंगे, यूनिवर्सिटी माने जाएंगे, जिसके वजह से आरक्षण होगी कि गरीब दोनों का प्रभावित होगा। इसको लेकर के दूसरा जो 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गठन लेकर के एससी एक्ट को हल्का किया, और ये दोनों बातें मान ली गई है सरकार के द्वारा, तो अब वो वहाँ स्थिति नहीं रह गई। अब 5 मार्च को उसको जो यूपीसी का पत्र जारी हुआ था उसके ऊपर भी रोक लगे एससी एक्ट को बहाल कर दिया, अब कोई कारण नहीं मिला कि विरोध में जाने का बल्कि समर्थन करने का। सरकार अपने खिलाफ जो सपोर्ट करेगी, जिस जहाँ सरकार वहाँ पर बंदी हो जाए जिसके माध्यम से उसका प्रभाव प्रतिकूल होना ही, तो कोई सरकार ऐसा कर सके एक बात है। दूसरी बात है, अभी जो अखबारों के माध्यम से हमने सुना जो व्यक्ति का अपमान ले रहे हैं उनके साथ गिरफ्तार किया गया, तो सरकार ने एक्शन भी लिया और फिर भी सारी समस्याओं को लेकर बात यही सब नहीं रखी। तो सबसे बड़ी अहम बात है सबसे निजीकरण और मंडलीकरण की नीति की शुरुआत होने के जानने में महाराज सरकार के लगातार आरक्षण समाप्त होता रहता है, और बड़ा यह अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है कि बहुजन और गरीब को चेतना में उभार आए, जिस गति से उभार आ रहा है अधिकारों की कटौती। उस समय 2000 में जब हम लोग आंदोलन चलाते थे तो लगभग 40 लाख कर्मचारी अच्छे थे, इतने दोस्तों का कंप्यूटर लागे थे और भर्तियाँ नहीं के बराबर। अब इस दलित समाज के पास न तो उद्योग है, न मार्केट है, न सेवा का क्षेत्र है, न जमीन जायदाद है, न मीडिया के मालिक है, न आयात निर्यात में उनकी भागीदारी, होटल बिजनेस हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ, उनका एक मान सम्मान और भागीदारी का एक प्रमुख जो माध्यम था वो है व्यापार सरकारी नौकरियों में आरक्षण, लेकिन वह लगातार घटा। तो ये बड़ा ही आप दुख की बात है कि बहुजन आंदोलन बहुजन चेतना बढ़े और अधिकार की कटौती है, और यह दूसरी तरफ है कि 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में दिया गया सरकार के अधिकार को अपने पास ले जज की नियुक्ति जज करें, जिसके वजह से वो जा रहा है चाहे निजीकरण हो चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे ठेकेदारी या संसद के द्वारा पिछड़े और दलितों के पक्ष में बनाया हुआ कानून या आरक्षण की बात चाहे विधानसभाओं के द्वारा, सब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट नियम लगे रहते हैं। भारत के तौर पर 20 मार्च को ये एससी एक्ट को खत्म करने का काम किया या कंप्लीट करने का काम किया। इसके अलावा भी जो बुनियादी गवर्नमेंट ने जो बुनियादी कदम कर्मचारी अधिकारियों को सीखा है उसको 1999 में खत्म किया, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के इस तरह से गठन किया इससे इतना ज़्यादा फर्क है कि उसका दुष्परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी अधिकारी वो डिमोट हो गए। ये बड़ी लड़ाई तभी संभव होगी कि सड़कों पर लोग ट्वीट करके आए, लेकिन जात भाई सड़क पर उतर के आए तो सरकार बात उनकी मान ली आ रही है। किसान जब बम्बई के शहरों में थे उनका कर्ज माफ हुआ, और जब 2 अप्रैल को दलित भारत बंद थी तो उनकी बात नहीं थी, और इस बार
न्यायपालिका से उसका नंबर लगा रहे थे। 3 दिसंबर को हमने बहुत बड़ी रैली बुलाई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा समर्थन की व्यवस्था पहले की थी। जब पहले सरकार की नियुक्ति में प्रमुखता प्रमुख की भागीदारी की योजना और 200 ही परिवार ऐसे पूरे देश में जिनके घर से या रिश्तेदारों से जज बनते हैं हाईकोर्ट में। और दूसरी बात है कि SC ST का OBC का आरक्षण रखना बहुत लाजमी हो गया है। अगर न्यायपालिका में आरक्षण नहीं हुआ तो सरकारों की चाहे कितना कुछ ले लिया जाए लेकिन न्यायपालिका उसको लागू नहीं होगी। इसको लेकर 2 अक्टूबर को दिल्ली में भारत के नौजवानों को बुलाया गया। SC ST OBC के नौजवान आए राम बाजंकर छात्र आएंगे, उनसे भी चर्चा करी गई कि उनकी भागीदारी ये आंदोलन की रूपरेखा है और उन्हें पहले कह रहे हैं सांसद चाहे जितना खड़े होकर के बोल नहीं सकते। लोकसभा राज्यसभा में बातें के लिए बातें का कोई असर नहीं है। हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला जो उनकी बात नहीं है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए प्राइवेट नंबर दे थे लेकिन जब तक जमात साथ नहीं थी समर्थन साथ नहीं है लोग सड़कों पर नहीं आते तब तक काफ़े मार्ग तो आपके चैनलों के माध्यम से संघर्ष के समाज जागरूकता 3 दिसंबर को जो रामलीला मैदान में रही होने वाली है उसमें इतनी बड़ी संख्या में आकर के सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। सरकार को और जजों को मजबूर होकर के आरक्षण देना है और नौजवान भी उसमें भारी संख्या में भीम आर्मी की सपोर्ट की मैं अपेक्षा करता हूँ और भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद रामो उनकी रिहाई के लिए मैं लोकसभा देखना देता हूँ। उसके लिए वार्ता देते हैं और उनके लोग भी आते रहते हैं। मेरी पूरी खुशी है और सरकार भी इस बात के लिए उनको छोड़ा जाए जो मुझे पता लगा कि जहाँ तक बहुजन समाज की बात जब तक मैं करूँ दलित समाज की हमारे साथ करूँ तो इस तरह की बात में आई दिल्ली का और उसके भी मार्ग से मैं कहूँगा कि भाई क्या नहीं वो ऐसा ऐसा संभव इसलिए नहीं अंदर जो सच्चाई नहीं बताई। आप लोग पार्टी का जब तक हुक्मरान या पार्टी जिनके हाथ में नीचे वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं। दूसरी बात संसद नाम मात्र की सरकार जब तमाम तरह बाईकार तीसरी बात कि जो सांसद निकल करके आएगा आवाज उठाने के लिए उसका टिकट काटने का तो ये समाज जब उसका टिकट कट जाता है तो समाज उसका शांति है। आप देखिए जब चुनाव आता है यही दलित समाज है ओबीसी समाज है तब ये लड़ने वाले नेता को याद नहीं करता वो साथियों से सुनता है मैं तो बीजेपी के सपोर्ट कर मैं तो आम आदमी का मैं तो कांग्रेस का और जब सरकार बन जाती है तब दलित नेता याद आते हैं। इसलिए क्योंकि मैं 12 साल से पार्टी चलाया मेरी लड़ाई की सराहना भी सभी करते आरक्षण में क्या सभी कहते थे हाँ बड़ा लड़ने वाला है लेकिन जब हमें समर्थन देने की बात आती थी तो सब अपने सबके अपनी पार्टी है जहाँ तक कि सामाजिक कार्यकर्ता भी चुनाव के दौरान घर पर तो यही जो मूलता है कि कोई सांसद बन रहे थे जो मेरे बन दोबारा से उनका आना चाहता है या पार्टी में और उसको जब समाज साथ नहीं देता और पार्टी जब टिकट काटने के घर का अच्छा देती है तो कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए लड़ने वाले संसद विधानसभा से बाहर रहते और ना लड़ने वाले
सांसद मंत्री बने रहते हैं अब तक, यही कारण तो समाज को भी विचार करना पड़ेगा कि जब चुनाव हो, जब उसको पत्ती देने का समय आए, पत्ती ऐसे लोगों को दे जो समाज के लिए लड़ा, तब भूल जाता है। देखिए ऐसा है कि मैं कोई उन्हें जादूगर नहीं हूँ कि अब क्योंकि मैंने अपनी परिस्थिति बताई, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा और एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं और राजनीति भी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, जैसे आई एस का परीक्षा पास कर देते या रेस में जीत कर, ये टीम की लड़ाई है, टीम की लड़ाई है। जब तक लोग साथ नहीं है और लोग जागरूक नहीं, लोग एकत्रित नहीं है, तो कोई जादूगरी काम नहीं होने वाला। तो इतना मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने सोचा ही नहीं, बल्कि जो शहीद हुए सबको हमने हमारे जैसे सबसे सम्मानित दर्जनों के बैठे और पूरे जहाँ जहाँ बैठे हुए थे एक आदमी को लगाया और उसके कहाँ कहाँ बार में या आपका अजमेर या ग्वालियर कई जगहों पर मैंने करवाया। मैंने एक तरह से बाल सेंटर बना रखा, लेकिन औरों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मैं नौकरी की किसी नहीं सकता, समाज की सदा समाज मेरे लिए बातचीत है, इसी को रोकी जाता है। दूसरी बात है कि दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं नहीं बोलते तो मैं उसके बारे में पूछता हूँ, आपकी बात से सहमत है कि उनके परिवार को नौकरी अभी भी खाना चाहिए, अभी भी कौन था जीत गया, दोनों ही था सर, मैं पहला होगा, मैं पहला होगा अभी तक तो उनके सही गतिविधि में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज आगे आए, जहाँ जहाँ पर बंद किए थे जैसे बलोतरा बाड़मेर वहाँ खुलवाने काम किया और बीकानेर या अजमेर में या ग्वालियर में, ग्वालियर में जो कर्मचारी थे गए भी नहीं थे, उनकी गिरफ्तारी और हम तक खुद उनको बचाया। मेरे अपनी बड़ा क्या सर अब देखिए ऐसा है कि मैं जब तक नहीं जानता हूँ तब तक जवाब नहीं दे सकता हूँ, और जो सवाल उनसे संबंधित है या तो उनसे पूछो या तो जो पार्टी के हेड हैं उनसे पूछो, मैं उनका हेड हूँ, वो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल के बच्चे में आरक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, अब संभवतः लगता है कि सात जगह की पीठ के सामने जाए। और नागराज का केस मैं नहीं लड़ा, मैं आपको बता दूँ कि 2016 के नागराज का मुकदमा है, तो देखिए मैंने की थी अपने डिपार्टमेंट को जो सरकार का देश था उनके समय कांग्रेस की सरकार थी, तो मेरा समाज भी होटल कर सकती है, शंकरा भरद्वाज जी लागू नहीं करते दोनों से नहीं कर, और दूसरी वकील से पैदी कराने की किया माना जब समय 40 लाख रुपया निजी स्टेशन दिया और तब जाकर के नागराज का जो सरकार पदोन्नति में आरक्षण कर रहा है, लेकिन उसमें मिशन बस लगा दिया और जाकर के 4 जनवरी 2011 में मुकदमा हम हार जाते हैं लखनऊ भाई के, हालांकि लखनऊ हाई कोर्ट में भी गलत व्यक्तिगत नहीं थे, हालांकि फैसले इसमें नहीं कि लखनऊ हाई कोर्ट में इतना ही कहा था कि जो तीन मापदंड हैं नागराज के उसको सरकार पूरा करते हैं और समझी में आरक्षण लागू करते हैं। दूसरा मौका और भी दिया कि जजमेंट तो दे दिया जा रहा है, लेकिन उसके
सर है उसका नीचे लिखा था कि ये तीनों शर्तें पूरा करके राज्य सरकार राजनीति में आरक्षण चालू वर्ष अपनी लेकर राज्य सरकार उस समय उसने सुप्रीम कोर्ट से भेज दिया मैं सर जबकि दोनों नहीं भेज सकते वहीं पर उसका वो कर देना चाहिए निदान करना चाहिए जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब विकास सिंह जी और कांग्रेस की सरकार आई तो लाखों का अनुसार ये देना कॉन्स्टेबल बन गए और करंट की वजह से महीने लोग गए भारी उनका मूल्यता और आर्थिक रेट के लिए उनकी क्षति तो अभी भी इसकी लड़ाई पर गई है उन्होंने ये कहा कि जब तक लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे को नहीं आते तब तक मुझे नहीं लगता कि तमाम सवालों से ज्यादा ऐसा मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ उनकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ पहले कहीं मैं कई बार उठा चुका हूँ पृथ्वी से बड़ी चीज उठकर पृथ्वी से बड़ी चीज किया मीडिया में उठाया कई बार मौखिक रूप से बोला मुख्यमंत्री से बोला पृथ्वी से छोटे स्तर की बात अभी भी राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसा उसमें भी मैंने उठाया नेताओं से बात किया ये बात गलत है जबदार समाज के लोग आंदोलन करते हैं उनकी भी गलती हुई हमारे लोगों की भी गलती हालांकि हमारे लोगों की गलती हुई कि हमारे ही लोग मारे और पुलिस के हाथ नहीं मारे तो हमारे तरफ से किसी प्रयास की गई मुझे ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन नहीं करना चाहिए मैंने इसी चीज कर दिया था कि दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट एक बार जब मामला रखा रखा हो चुका है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही बार बार दिक्कतें आ रही समाज की दिक्कतें आ रही सरकार के आ रही तो सुप्रीम कोर्ट में भाई इसलिए ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर जातिवादी लोग थे जिसके वजह से पूर्वा कर रही थी ऐसा करना तो हमेशा रहेंगे मैं राजनीतिक भविष्य की अगर देखता बात तो मैं क्यों उठाता हूँ राजनीतिक भविष्य की अगर चिंता करने लगे आदमी तो समाज की चिंता शायद दूसरी वरीयता से क्योंकि मेरी वरीयता समाज की उसके बाद में जो करना है मुझे भैया आपको मैं 2 अप्रैल का उदाहरण तो दे दिया जन आंदोलन का रिजल्ट अच्छे आ गया आपके पास।